नमस्कार, स्वादिष्ट खाना बाय अनीता जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चाय बना रहे हैं। चाय सबको ही बहुत पसंद आती है, चाहे डॉक्टर कितना ही बोले कि चाय आपको नहीं पीनी है या फिर चाय बहुत हार्मफुल होती है। लेकिन जब हम बहुत थके हुए होते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, तो हमें लगता है भाई एक कप चाय मिल जाए हमें, है ना। तो आज हम वही चाय बना रहे हैं जो हमें तरोताज़ा रखती है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने चायदान रखा है, इसके ये इस तरीके से मैंने एक कप इसमें पानी डाल दिया है। जब पानी हल्का सा गुनगुना हो जाता है, उसके बाद हमें बाकी चीज़ें डालनी है। पानी को ज़्यादा रझाना नहीं चाहिए, नहीं तो चाय का कलर ख़राब हो जाता है। जी अदरक, एक छोटी इलायची और एक चुटकी साबुत सौंफ लिया है। आज हम सौंफ, इलायची एंड इसकी हम बना रहे हैं, यही मसाला यूज़ करेंगे आज हम अपनी चाय बनाने में। और इस तरीके से ये हमारा चाय का मसाला तैयार हो गया है। चाय देखिए, बहुत प्रकार के मसालों से चाय बनती है। जैसे बोलते हैं ना रजपाड़ा चाय, वो बहुत सारी चाय है जहाँ सौ सौ प्रकार के फ्लेवर होते हैं चाय के, लेकिन हमारा एक जेन्युइन आम इंडियन किचन में आपको यही फ्लेवर मिलेगा। छोटी इलायची, थोड़ी सी सौंफ और साथ में अदरक वाली चाय, या हम प्योर अदरक की भी बना सकते हैं, पर आज हम तीनों चीज़ों से ही बना रहे हैं। अब ये देखिए पानी थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें चाय पत्ती डालती हूँ। ये देखिए पानी को हमें अभी बहुत रझाना नहीं है। ये देखिए ये हाफ चम्मच चाय की पत्ती है। अगर पत्ती बढ़िया हो किसी अच्छी कंपनी की, तो पत्ती हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। लोकल चाय लो तो आपको फिर भी एक चम्मच दो चम्मच डालते हो, कहते हैं ना कलर नहीं आया, लेकिन इस चाय की पत्ती से कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए खुशबू पूरी किचन में फैलनी शुरू हो गई है हमारे अदरक की इलायची की। कुछ अंग्रेजों के टाइम की अगर चाय आप देखोगे, तो वो लोग तो पानी अलग उबालते हैं, दूध अलग उबालते हैं और चाय की पत्ती अलग उबालते हैं, तभी सबको मिला के ऊपर से चीनी डाल के चाय पीते हैं। लेकिन हम लोग आम घरों में अपना क्या करते हैं कि सब चीज़ों को ही उबालते हैं, कि पहले हमने पानी को गर्म किया और फिर ये सब मसाले डाले और अब चाय की पत्ती। ये देखिए चाय का कलर जैसे हमें चाहिए था वैसे ही परफेक्ट कलर आया है चाय का। इससे हमारी दो कप चाय बनकर तैयार होगी। एक कप मैंने पानी लिया था और एक कप मैंने दूध लिया था। देखिए हम तो इतना ही, ये हाफ चम्मच इतना ही फ्लेवर मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको चाय थोड़ी, कुछ लोग ब्लैक सी पीते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पीते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक से डेढ़ चम्मच भी चाय की पत्ती डाल सकते हो, और चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पर आम घरों में चाय जो है वो ये ही पी जाती है अधिकतर, तो इसलिए मैं सबको ध्यान में रखकर ही बना रही हूँ। और ये हम खांड का उपयोग कर रहे हैं, देसी खांड है। चीनी हमेशा जब चाय हमारी बन जाए तो सबसे लास्ट में डालते हैं। अब मैंने अपने ट्रे में दो कप लगा लिए हैं कि बस झटपट हमारी इधर चाय बनेगी और गरम गरम चाय सर्व कर लेंगे।
5 मिनट में चाय बनकर तैयार है और इस गरम गरम चाय को ही हम कपों में छान लेंगे। देखिए चाय बनकर तैयार है। आप जिस कप में भी चाय पीते हो उस कप का आधा दूध आधा पानी देना तो आपका एक कप चाय तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने ये 2 कप चाय तैयार की है। चीनी पत्ती आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और एक ट्रिप्स और है आपके लिए, वो क्या है कि अगर आप कच्चे दूध से चाय बनाते हो तो चाय बिल्कुल कॉफ़ी स्टाइल बनती है, थोड़ी अच्छी गाढ़ी बढ़िया बनती है। लेकिन कच्चे दूध की बनाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में मम्मी जो उबाल के रखती है वो तो होता ही है सब घरों में। और इसके साथ आप लोग क्या खा सकते हो, समोसा कचौरी पकौड़ा या फिर अदर कोई भी आइटम्स, वो बच्चों को भी मालूम है कि क्या क्या खा सकते हैं चाय के साथ। तो बस चाय पीजिए, इंजॉय कीजिए, खुश रहिए।